तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके के टॉप 25 क्वेश्चन का चैलेंजिंग टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए वाटर पोलो, ऑप्शन बी रग्बी, ऑप्शन सी पोलो, ऑप्शन डी बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए फील्ड हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी कबड्डी। भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, फील्ड हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए घुड़दौड़, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी हैंडबॉल, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुश्ती। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए आइस हॉकी, ऑप्शन बी रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बेसबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी ट्रेकिंग, ऑप्शन डी बेसबॉल। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फुटबॉल। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी जापान। बुल फाइटिंग स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेन। बुल फाइटिंग स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी स्वीडन। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा। आइस हॉकी कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। टेबल टेनिस चीन देश का राष्ट्रीय खेल है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। टेबल टेनिस चीन देश का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी हैंडबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल बेसबॉल को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन बेसबॉल खेल को कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी तुर्क,
ऑप्शन डी पुर्तगाली। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने प्रारंभ किया था, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्क। भारत में पोलो खेल का प्रारंभ तुर्कों ने किया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पोलो खेल का प्रारंभ भारत के किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। पोलो खेल का प्रारंभ भारत के मणिपुर राज्य में हुआ, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर। पोलो खेल का प्रारंभ भारत के मणिपुर राज्य से हुआ है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। कबड्डी खेल का उद्भव भारत देश में हुआ माना जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। कबड्डी खेल का उद्भव भारत देश में हुआ है ऐसा माना जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। शतरंज का जन्मदाता भारत देश को माना जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। शतरंज का जन्मदाता भारत देश को कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड देश में हुई, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड। क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड देश में हुई। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। खो खो खेल में 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 9। खो खो खेल में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4। एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 7। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 9। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर 5 खिलाड़ी होते हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर 5 खिलाड़ी होते हैं।
बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर पांच पांच खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 11। फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 11। फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 11। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 15। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7। कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? ऑप्शन ए असलम शेर खान, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी बलबीर सिंह, ऑप्शन डी रूप सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? असलम शेर खान, मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह, रूप सिंह। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।